good afternoon good afternoon and welcome to all our viewers to our regular program that is teleconferencing through gyanvani gyan, Vani, gyan Darshan channel एंड ये हम हमारे हर हफ्ता ट्यूसडे को थ्री टू फोर पी एम प्रसारण होता है और इस प्रोग्राम में हम आर एस टी के तरफ से रीजनल सर्विसेज के तरफ से हम लोग आप लोगों के सेवा के लिए हम हाजिर होते हैं और रीजनल सर्विसेज डिवीज़न जैसे कि हम सभी क्षेत्रीय केंद्रों का हम संचालन करते हैं देख देख करते हैं और उसी तरह से हम विद्यार्थियों की सेवा के लिए भी उसी तरह से प्रस्तुत होते हैं और जैसे मैं अपनी परिचय कराना चाहूं कि मैं डॉक्टर श्वेता सिंह फ्रॉम रीजनल सर्विसेज डिवीजन मैं आप आज इस प्रोग्राम को होस्ट करूंगी और साथ में हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स यानी रिसोर्स पर्सन हैं मैं उनसे भी आप लोगों का परिचय कराना चाहती हूँ सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ डॉक्टर एम शक्लानी सीनियर रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम रीजनल दिल्ली आर सी थ्री हाँ जी और इसी तरह से हमारी डॉक्टर रंजिता पांड्रा एडिशनल डायरेक्टर फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिविजन इग्नू हेडक्वार्टर स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में और हमारे साथ हमारे व्यूअर्स डायरेक्ट हमसे संपर्क रख सकते हैं संपर्क रखने का तरीका बहुत ही आसान है आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर से आप डायरेक्ट फोन करके हमसे संपर्क रख सकते हैं आपकी जो भी कोई जिज्ञासा हो अपने स्टडीज के दौरान और जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो आप हमसे साझा कर सकते हैं हम पूरा प्रयास करेंगे आपके हर सवाल का प्रयास जिज्ञासा सवाल का जवाब देने का और और इस तरह से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो जैसे कि आपने हमने आ, अपने एक्सपर्ट्स की परिचय करा दिया तो मैं सबसे पहले डॉक्टर रंजिता मैडम से पूछना चाहती हूँ कि हम यहाँ इग्नू हेडक्वार्टर में से बात कर रहे हैं तो हेडक्वार्टर का संचालन जैसे हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट्स और ये स्कूल वगैरह होता है तो उसी तरह से हमारे यहाँ बहुत प्रकार के हमारे डिविजन्स है वेरियस डिविजन्स तो उन डिविजन्स के आपस में तालमेल कैसे रहते हैं और उन डिविजन्स का नाम और स्टूडेंट किस तरह से अपनी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते इन डिवीजन्स के थ्रू मैम धन्यवाद श्वेता जी और आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का वही क्वेश्चन सवाल होता है उन लोगों को कौन से डिवीजन में क्या काम है वो उनको पता भी नहीं होता है जैसे कि इग्नो हेडक्वार्टर अभी मैदानगढ़ी में है और हमारे साथ बहुत सारे डिवीजन है जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन स्टूडेंट इवाल्युएशन डिवीजन स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर जो कि हमारा जो बेस्ट सपोर्ट सर्विस अक्रॉस द कंट्री स्टूडेंट्स को लर्नर को उपलब्ध कराते हैं स्टूडेंट का जो भी इशूज छोटे छोटे इशूज है उनका क्वेरीज है ग्रीवेंसेस है स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर से बाकी सब डिवीजन को वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू से ई मेल के माध्यम से और जितना भी ई e माध्यम से वो लोग स्प्रेड करते हैं स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर वो भी हेडक्वाटर में है और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन वहाँ एडमिशन जैसे री रजिस्ट्रेशन और एडमिशन हम लोगों का जनवरी और जुलाई जुलाई में जो होता है तो उसी के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवीजन है स्टूडेंट जितना भी लर्नर्स एडमिशन करते हैं अभी सभी को पता है एडमिशन हम लोगों का ऑनलाइन हो रहा है समर्थ पोर्टल के माध्यम से तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन ही एडमिशन के बारे में सब कुछ ज्ञान जानकारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास थ्रू हम लोग का वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं स्टूडेंट इवेल्युएशन ऐसे स्टूडेंट इवेल्यूएशन डिवीजन है स्टूडेंट इवेल्यूएशन डिवीजन में हम लोग का एग्जामिनेशन असाइनमेंट सबमिशन प्रोजेक्ट जितना भी प्रोग्राम से इग्नो जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री का हम लोग के पास जितना भी प्रोग्राम ऑफर में है वो प्रोग्राम के लिए असाइनमेंट सबमिशन और एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी जानकारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए चाहिए वो स्टूडेंट इवेलुएशन डिवीजन से ही हम लोगों को मिलता है और मेटेरियल प्रोडक्शन एमपीडीडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन वहां से स्टूडेंट्स को किताब सेल्फ लर्निंग मटेरियल और किताब के पुस्तक जितना भी उन लोगों को जो जरूरत होता है उनके लिए एम काम करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट आरएसडी रीजनल सर्विस डिवीजन रीजनल सर्विस डिवीजन मोनिटर करता है एक्रॉस द कंट्री हम लोग का 57 सेवन रीजनल सेंटर है और उन्हीं के लिए रीजनल सर्विस डिविजन हेडक्वार्टर से सब कुछ इंफॉर्मेशन जो भी एडमिशन रिलेटेड एग्जामिनेशन रिलेटेड और हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी जो भी है सब रीजनल सर्विस डिवीजन से 57 सेवन रिजनल सेंटर को मॉनिटर करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है और एक जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि, प्लानिंग डिवीजन प्लानिंग डिवीजन के बारे में बहुत सारे लर्नर्स को पता नहीं है वहां से हम लोग का जितना भी प्रोग्राम लॉन्च होता है वही है ट्वेंटी और स्कूल से सर्टिफिकेट जो भी प्रोग्राम लॉन्च होता है वो प्लानिंग डिवीजन से नोटिफाई होता है इसी तरह से हमने अभी थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों के साथ साझा किया कि इग्नू हेडक्वार्टर में कितने डिविजन्स है और उनका उनकी भूमिका आप लोगों की सेवा के लिए क्या क्या है उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कि ये क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया इसी तरह से हम भारत पूरे भारत में हमारे 57 सेवन रीजनल सेंटर्स है तो 57 सेवन रीजनल सेंटर्स यानी क्षेत्रीय केंद्र है उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर एम शक्लानी सर से जी नमस्कार सभी श्रोताओं को और दर्शकों को Uh, जैसा डॉक्टर रंजीता पंडा मैडम ने और श्वेता मैडम ने बताया कि हमारा एक नेशन वाइड नेटवर्क है रीजन सेंटर्स का पूरे देश में क्योंकि ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारी राष्ट्रव्यापी मौजूदगी है और हमारे रीजनल सेंटर्स जो सत्तावन है दे रिप्रेजेंट द यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द कंट्री रीजनल सेंटर हमारे जो थ्री टायर सिस्टम है उसमें अभी मुख्यालय की हेडक्वार्टर्स के बारे में बताया गया आपको और जो इंटरमीडिएट टायर रीजन सेंटर्स जो हैं जो पूरे देश में है और उसके बाद उनके अंतर्गत जो लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं जिन्हें हम स्टडी सेंटर भी कहते हैं वो जो बेसिक यूनिटी है थर्ड टायर होता है रीजनल सेंटर्स का जैसे मैडम ने जिक्र किया कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि जो लर्नर सपोर्ट सर्विसेज विश्वविद्यालय की प्री एडमिशन काउंसलिंग से लेकर एडमिशन एडमिशन्स के बाद ड्यूरिंग द जो कोर्स ऑफ स्टडी जो होता है उसमें जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं चाहे वो अकेडमिक काउंसलिंग हो सबमिशन एवेल्यूशन ऑफ असाइनमेंट हो परीक्षाएं कराना है और उसके बाद अंततः तो जो तमाम कोऑर्डिनेशन रिलेटेड जो वर्क है चाहे वो लर्नर सपोर्ट सेंटर्स के साथ हो चाहे मुख्यालय के साथ हो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे रीजनल सेंटर्स अदा करते हैं और सभी रीजनल सेंटर्स आप सब चूंकि ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं हमारे और जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं और जो हमसे पहले से भी जुड़े हुए हैं आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट है जिसके तहत आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उसी में आप देखेंगे कि हर रीजनल सेंटर की वेबसाइट का लिंक मौजूद है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट लर्नर सपोर्ट से रिलेटेड जो जानकारियां हैं हमारे रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट से आप देख सकते हैं मैं रीजनल सेंटर डेली थ्री से हूं तो आप रीजनल सेंटर डेली थ्री से जो एडमिशन्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स है जो जुड़े हुए हैं जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हमारी वेबसाइट से मिलेंगे तो हमारे इस थ्री टायर सिस्टम में रीजन सेंटर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जैसे आपको बताया गया जी ये तो हुई थोड़ी बेसिक सी और जनरल इंफॉर्मेशन अब मैं कुछ आ, सवाल आपको मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अभी जुलाई 2023 सत्र का एडमिशन चल रहा है हमारे इग्नू में Uh, हमारे पास 285 प्रोग्राम्स इन ऑल लेवल सर्टिफिकेट से लेकर पीएचडी uh, लेवल तक प्रोग्राम्स है बट इन दिनों हमारे पास सर्टिफिकेट लेवल को छोड़कर बैचलर से लेकर मास्टर लेवल तक के uh, जो लेवल में एडमिशन प्रोग्राम uh, सभी प्रोग्राम में एडमिशन चल रहा है तो इसी सिलसिले में मैं uh, रंजिता मैडम से पूछना चाहती हूँ कि मैम uh, अभी एडमिशन के लिए अंतिम तारीख मतलब कब तक है और स्टूडेंट कब तक दाखिला ले सकते हैं अभी एडमिशन जुलाई 2023 का जारी है और एडमिशन का अंतिम तिथि है 20 सितंबर 2023। 20 तारीख दैट मीन्स आज उन्नीस से एक दिन है अभी स्टूडेंट्स को बहुत क्विकली डिसीजन लेना है फ्रेश एडमिशन की भी लास्ट डेट ट्वेंटी सितंबर और री रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट 20 ट्वेंटी सितंबर 2023 जुलाई सेशन के लिए और लर्नर को अभी एक दिन है मिली है और एडमिशन करना है तो कल तक वो लोग एडमिशन करना चाहिए जी बहुत बहुत आ, आ, सही जानकारी आपने प्रदान किया और जो एडमिशन डेट का जो एक्सटेंशन हुआ या नहीं हुआ उस चीज की इन्फॉर्मेशन हमारे विद्यार्थी कहाँ से ले सकते हैं? हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि एडमिशन डेट हम लोगों का एक्सटेंशन होता है और इग्नो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यूजीसी के हिसाब से हम लोग का डेट एक्सटेंशन हम लोग करते हैं और अभी कल तक एडमिशन डेट है बट अभी उन लोग इग्नो वेबसाइट में चेक करते रेगुलरली दे चेक तो डेट उसी हिसाब से उन लोगों को इमिडिएटली इग्नो वेबसाइट में अवेलेबल हो जाता है डेट एक्सटेंशन होने से हम लोग का जो होम पेज है स्टूडेंट कैन ओपन द इ्नो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इग्नो डॉट ए सी डॉट इन वहां स्टूडेंट जोन फ्रंट पेज में ही हम लोगों का अलर्ट सेक्शन में एडमिशन और फ्रेश एडमिशन एंड री रजिस्ट्रेशन का दोनों का एक्सटेंशन का डेट जो चेंज होता है वो इमिडिएटली इम्प्लीमेंट होता है सर रीजनल सेंटर की भी इसमें कोई भूमिका रहती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि एडमिशन डेट कब तक है और स्टूडेंट को मतलब कैसे उनको अलर्ट रहना है सर जी मैडम क्षेत्र केंद्र की भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका यह है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्री एडमिशन के लेवल से ही प्रयास ये रहता है कि तमाम इस इन्फॉर्मेशन को विश्वविद्यालय की वेब, मुख्य वेबसाइट पे तो जैसे मैडम ने बताया ये इन्फॉर्मेशन रहती है लेकिन साथ ही रीजन सेंटर्स की वेबसाइट में भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के चाहे वो फेसबुक हो ट्विटर हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम तमाम चीजों पे तो ये एडमिशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स लास्ट डेट्स वगैरह के ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम लर्नर्स तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है तो ये अपेक्षा की जाती है और जैसे मैडम ने सही एडवाइस किया कि आप प्लीज अगर कोई डेट एक्सटेंशन रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो आप विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट चेक करते रहें और रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट भी देखते रहें साथ ही जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यूनिवर्सिटी का मेन और उसमें भी चूंकि ये सारे अपडेट्स जो है उसमें उपलब्ध होंगे तो हम लर्नर्स को ये सलाह देंगे कि वो इन्हें देखते रहें मैडम uh, मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर आ, करना चाहती हूँ आपसे कि जैसे हमने अभी बता दिया कि रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड होके 20 तारीख तक अब है तो क्या ये ऑल प्रोग्राम्स के लिए है या कुछ प्रोग्राम अब इसको इसमें से आ, मतलब एक्सक्लूड कर दिया है इसमें एक्सेप्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो हम लोगों का ऑफर में थी वो भी वो क्लोज हो गया है एक्सेप्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम बाकी सब यूजी पीजी और बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के लिए अभी हमारा डेट अभी है ट्वेंटी सितंबर जी तो बहुत उम्मीद करती हूँ हमारे साथ बहुत और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे और इग्नू के सभी प्रोग्राम के जो लुत्फ उठाएंगे उनका फायदा उठाएंगे और अपने करियर इन्हमेंट और प्लस अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए इग्नू से जुड़ेंगे ऐसे में उम्मीद करती हूँ तो सर इसी सिलसिले में मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ की कई स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे पास क्वेरी रखते हैं कि हमें हमने अभी री हमारा एग्जाम अभी हमने पूरा नहीं किया हमारा फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ फिर भी री रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती जी बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने किया री रजिस्ट्रेशन हमारे सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हम सब जो लर्नर्स में को ये क्लैरिटी में अपेक्षित ये है कि जो भी एडमिशन चाहे वो बैचलर्स प्रोग्राम का हो या मास्टर्स प्रोग्राम का तो फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन होता है उसके बाद जो पुनः एडमिशन लेना पड़ता है सेकेंड ईयर के लिए या सेकेंड सेमेस्टर के लिए उसको हम री रजिस्ट्रेशन कहते हैं री रजिस्ट्रेशन इसलिए महत्वपूर्ण तो है कि ताकि उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लर्नर्स के लिए जानना कि फॉर्मल सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है कि हम जब एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद एडमिशन लेते हैं सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में अगर वेस्टर्स प्रोग्राम में हो लेकिन हमारे यहाँ वो उस किस्म का व्यवधान नहीं है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम की ये खूबी है कि आप बगैर ब्रेक के आप री रजिस्ट्रेशन करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं आपको अपने रिजल्ट के प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आपके रिजल्ट में अगर कोई कमी भी रह जाती है तो उसके बाद जो हमारे चूंकि वर्ष में साल में दो बार हमारी परीक्षाएं है होती हैं जून और दिसंबर के माह में तो आप अपना जो भी कोई रिमेनिंग कॉम्पोनेट एग्जामिनेशन का है वो आप दे सकते हैं लेकिन बगैर आपकी पढ़ाई के व्यवधान के आप आ, री रजिस्ट्रेशन के जरिए कंटिन्यू है, करते हैं इसलिए यह इंपॉर्टेंट यहां बहुत हो जाता है कि री रजिस्ट्रेशन की जैसे डेडलाइन है कल अंतिम तिथि है री रजिस्ट्रेशन की तो हमारे जो लर्नर्स जुलाई ट्वेंटी टू सेशन के हैं जिनको जुलाई 23 सेशन में सेकंड ईयर के लिए या अगले सेमेस्टर के लिए एडमिशन लेना है कि वो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि अपना री रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं क्योंकि अगर वो री रजिस्ट्रेशन कराना मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देर विल बी ब्रेक इन देर स्टडीज एक कंटिन्यूटी में ब्रेक uh, होगा इसलिए री re रजिस्ट्रेशन के जरिए आप सु, ये सुनिश्चित करिए कि आप री रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपना जो स्टडीज है आपका अनवरत आपका चलता रहे और आपको यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी ऑफ योर पेंडिंग पेपर्स या एनी ऑफ योर या कोई आपका कोई कम्पोनेट कोई हिस्सा अगर पेंडिंग भी रहता है तो आप उसको सेकेंड ईयर में कर सकते हैं सेकेंड ईयर का पेंडिंग होता है थर्ड ईयर में कर सकते हैं आप कमिंग सेमेस्टर्स में भी कर सकते हैं बट री re रजिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैंडेट्री है और उसकी डेडलाइन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है जी आ, बहुत बहुत धन्यवाद सर और अब जो मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम से रंजिता मैम से कि हर एडमिशन सेशन में इग्नू नए नए प्रोग्राम लेके आप लोगों के समक्ष हाजिर होती है तो न्यू न्यू प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं तो मैडम इस सत्र में कौन कौन से नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं और इसकी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को कहाँ से मिल सकती है आपने बहुत अच्छा सवाल किए हैं श्वेता जी और जो न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है हम आप सभी को पता है हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस इग्नू वेबसाइट में अवेलेबल होता है जैसे जुलाई हम लोगों का एडमिशन होता है जनवरी और जुलाई में तो जुलाई के लिए कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और जनवरी के लिए भी इसे जनवरी 2023 कॉमन प्रोस्पेक्टस वेबसाइट में डब्ल्यू में हम जब ओपन करते हैं वहां स्टूडेंट जोन और डाउनलोड में जाएंगे तो कॉमन प्रोस्पेक्टस क्लिक करने से कॉमन प्रोस्पेक्टस जो जुलाई सेशन का जुलाई और जनवरी सेशन का जनवरी अवेलेबल होता है और कॉमन प्रोस्पेक्टस इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लर्निंग सिस्टम क्यों उसमें जितना भी प्रोग्राम हम लोग का लॉन्च होता है प्रोग्राम के डिटेल्स फी स्ट्रक्चर एक समरी टेबल होता है आई थिंक इट इज इन 21 वन टू ट्वेंटी पेज में है और समरी लिस्ट में प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्स फी एलिजिबिलिटी फी स्ट्रक्चर में मैंने हाउ टू ईर्स या थ्री इयर्स बैचलर डिग्रीज का डिटेल्स ड्यूरेबिलिटी सब कुछ उपलब्ध होता है तो स्टूडेंट्स और लर्नर्स कैन सी एंड एनालाइज हिच प्रोग्राम ही हैज टू टेक तो कॉमन प्रोस्पेक्टस में जैसे हम लोगों का बी ए बी ए जी बी कॉम साइंस कॉमर्स बहुत सारे प्रोग्राम है तो फर्स्ट फेज से लास्ट फेज तक एक बार एडमिशन से पहले ईच एंड एवरी लर्नर शुड रीड एनालाइज एंड हैव टू थिंक अबाउट हिच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर देम हिच वन इज नीड ऑफ दैट टाइम उनके लिए क्या जरूरी है जैसे सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है वी आर ह्यूमन बींग सेक्टर में जाना है किसी को रूरल सेक्टर में जाना है किसी को एनजीओ में किसी को एंटरशिप एंड बहुत सारे फैक्टर्स है और और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीए प्रोग्राम करके अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 2020 के हिसाब से अभी हम लोगों का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे चेंज भी हुआ है स्टूडेंट लर्नर्स पहले जो प्रोस्पेक्टस में जो चीज अवेलेबल थे अभी कुछ चेंजेस हुआ है तो उसी को भी लर्नर्स देखकर प्रोग्राम के लिए एनालिसिस करके इलेक्टिव स्किल बेस्ड जो भी उस अच्छे से एनालिसिस करना मेरे कहने का मतलब अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है कोई भी चीज एडमिशन करने के बाद बहुत सारे हम लोगों के पास हुई है सो मेनी मेल्स कि हमको एडमिशन कैंसिल करना है ये प्रोग्राम नहीं करना है ये प्रोग्राम चेंज करना है तो ये सब करने से पहले एडमिशन करने से पहले एक बार कॉमन प्रोस्पेक्टस को देखकर ईच एंड एवरी प्रोग्राम के बारे में एलिजिबिलिटी उनका एडमिशन प्रोसेस उसके बाद उनका डिग्री कम्पलीशन तक सब कुछ अवेलेबल कॉमन प्रोस्पेक्टस में है और कॉमन प्रोस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी रूल्स भी अवेलेबल है और उसमें जो भी प्रोग्राम उन लोगों को करना है जो स्कूल से कितना सर्टिफिकेट प्रोग्राम डिप्लोमा मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कोई भी प्रोग्राम प्रोग्राम के डिटेल्स स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर के बिल नीचे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का फोन नंबर और नाम भी ईमेल भी अवेलेबल है सपोज किसी को कुछ क्वेश्चन है कुछ मैंने इसके डिटेल्स इस करके क्या करना है जॉब रिलेटेड कुछ है तो दे कैन राइट ए मेल टू द कंसर्न कोऑर्डिनेटर आल्सो तो इसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा एनालिसिस हो जाएगा और बिकॉज वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि एडमिशन हम लोग का जनवरी जुलाई में शुरू होता है अभी सेप्टेम्बर हो गया तो जुलाई में जब इनिशियल पीरियड में इनिशियली इफ दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द जॉब प्रोस्पेक्ट्स और प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स तो दे कैन राइट टू द कोऑर्डिनेटर और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन तो उनको पता चल जाएगा ये प्रोग्राम करके उनका फ्यूचर कैसे वो लोग अच्छे से डेवलप कर सकते हैं तो इस प्रकार से गाइडेंस हमारे विद्यार्थियों को मिल सकती है तो अगर कोई स्टूडेंट्स चांस वो कॉमन प्रोस्पेक्टस भी नहीं देखना चाहेंगे तो ऐसे में जो रीजनल सेन्टअप प्री एडमिशन काउंसलिंग कराती है उसकी उससे कितनी हेल्प मिल सकती है सर जी श्वेता जी प्री एडमिशन काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है ये अब दो लेवल्स पे होता है एक तो बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स है रीजनल सेंटर में आते हैं हमारे स्टडी सेंटर्स में भी जाते हैं तो प्रयास रहता है हमारे टीम का कि उनको हम अपडेट कराएं उनको गाइड करें उनकी चॉइस के प्रोग्राम्स लेने में और कौन से कोर्सेज किस में उनका इंटरेस्ट है चॉइस ऑफ कोर्सेज क्या है कौन सा स्टडी सेंटर वो लेना चाहते हैं बहुत सारी चीजें क्योंकि जिज्ञासा होती है किसी भी नए लर्नर में जो हमारे सिस्टम से जुड़ना चाहता है तो कोशिश प्री एडमिशन काउंसिलिंग में ये होती है कि हम उन्हें बताएं और तमाम चीजें जैसे नेशन वाइड उनका मूवमेंट हो सकता है कैसे वो रीजन सेंटर चेंज करेंगे कैसे एड्रेस चेंज होगा या दूसरी चीजें या एकेडमिक काउंसिलिंग क्या चीज़ है असाइनमेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बनाने होते हैं तो वो सारा कोशिश होती है फेस टू तो फेस मोड में जो लर्नर्स आते हैं उनकी एडमिशन काउंसलिंग और हम वर्चुअल मोड में भी हमारा प्रयास रहता है कि या तो हम जूम मीटिंग्स के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में अपने लर्नर्स जैसे अभी रिसेंटली हमारे रीजन सेंटर सभी कर रहे हैं दिल्ली टू ने भी अभी बहुत सारा डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए किया दिल्ली थ्री में हमने फेसबुक लाइव के जरिए अपने लर्नर्स की प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स की प्री एडमिशन काउंसलिंग की उनकी जिज्ञासाओं को दूर करने की कोशिश की तो ये दोनों ब्लेंडेड मोड में है दोनों तरह से और उसके अलावा बहुत सारे जैसे मैडम ने भी कहा कि क्वेरीज रीजन सेंटर में लर्नर्स हमारे मेल्स के जरिए भेजते हैं जानना चाहते हैं एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि वो कब उनका एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा और कब उनका फर्दर स्टडी सेंटर में जो एक्टिविटीज होंगी कब शुरू होंगी कब उनको एग्जाम देने होंगे सेमेस्टर वेस्ड एग्जाम कब होंगे एनुअल एग्जाम कब होंगे असाइनमेंट्स कब तक जमा करने होंगे तो ये तमाम चीजें जो है प्री एडमिशन काउंसिलिंग के जरिए ही उनकी इन को दूर करने का प्रयास किया जाता है जी, जी आ, इसी तरह से हमने अभी बहुत देर तक तो हम अभी एडमिशन और री re रजिस्ट्रेशन की बातचीत करते रहे बीच में हमने रिजल्ट डिक्लेरेशन और असाइनमेंट की भी बात की थी बट अब जैसे आपने भी अपनी चर्चा के दौरान ये जिक्र कर ही दिया कि इग्नू में दो बार आ, साल के दो बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जून और दिसंबर में तो अब फिलहाल दिसंबर के एग्जाम के लिए क्या एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो चुका है सर और इसकी अंतिम तिथि कब है सर जी जी दिसंबर की जो परीक्षा है जिसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स हमारे जो हमारे अभी जिनका सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है या जनवरी 2023 सेशन के जो एनुअल प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं या हमारे दूसरे सेमेस्टर बेस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल खुला हुआ है और अभी वो थर्टियस्ट सितंबर तक बगैर किसी लेट फीस के हमारा अब अपना फॉर्म भर सकते हैं नॉर्मली उसमें फॉर्म में ही जानकारी भी दी हुई है और बड़ा लर्नर फ्रेंडली फॉर्म हमारा होता है उसमें ये आवश्यक है मैडम जो अब हम जैसे बातचीत में अपने लर्नर्स को बताते भी हैं कि आप परीक्षा देने से पहले दो इम्पोर्टेंट काम आपको करने होते हैं एक तो आपको अपना असाइनमेंट्स जमा करना है एज पर द डेडलाइंस और दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है जब एग्जामिनेशन फॉर्म स्टूडेंट भरना की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उनको अपने उसमें देश भर में हमारा एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं और ऐसा कहीं नहीं है अगर कोई लर्नर दिल्ली का है और वो एक दिसंबर के टाइम में अगर ऑफिशियली या किसी अन्य काम से अगर वो किसी देश के किसी अन्य शहर में एग्जामिनेशन uh, अपना देना चाहता है तो देश भर में एग्जामिनेशन सेंटर में कहीं पे वन कैन अपीयर इन एनीवेयर इन द एग्जामिनेशन तो ये पोर्टल हमारा खुला हुआ है और लर्नर्स आजकल हमारे परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं जी और इसकी अंतिम तिथि जैसे कि सितंबर 30 जी जी अभी जी बगैर डेट फीस के जी जी उसी तरह से फिर असाइनमेंट्स की अंतिम तिथि कब तक है सर असाइनमेंट सबमिशन और ये इससे पहले कि हम असाइनमेंट सबमिशन uh, की तिथि के विषय में बात करें तो स्टूडेंट अपने असाइनमेंट कहाँ सबमिट कर सकते हैं और किस मोड से अभी स्पेशली अगर आप रीजनल दिल्ली थ्री से बिलोंग करते हैं तो सर आप वहाँ का बता सकते हैं सर ताकि हमारे जो व्यूअर्स रीजनल दिल्ली रीजनल सेंटर दिल्ली थ्री के होंगे तो वो लाभान्वित होंगे सर वो दिल्ली जी मैडम जहां तक प्रोसीजर और डेडलाइंस का सवाल है तो मोर और लेस सभी क्षेत्रीय केंद्रों में एक ही जैसी प्रक्रिया होती है थोड़ा बहुत फर्क होता है क्योंकि डेडलाइन तो पूरे देश में जो प्रोग्राम्स के लिए असाइनमेंट्स पे दी हुई रहती है तो अभी जो दिसंबर एग्जामिनेशन जो है उसमें ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए थर्टी सितंबर ही लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की भी और किसी असाइनमेंट्स में लास्ट डेट लिखी हुई भी होती है अगर हो सकता है किसी में अगर थर्टी अक्टूबर लिखी हुई होगी तो वो वो डेट होगी तो असाइनमेंट सबमिशन का तरीका भी ब्लेंडेड है ऑफलाइन uh, असाइनमेंट्स भी सबमिट होते हैं फेस टू फेस मोड में और ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन भी होता है जैसे रीजन सेंटर डेली थ्री में जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का हम गूगल फॉर्मेट क्रिएट करके गूगल फॉर्म के जरिए असाइनमेंट सबमिट होते हैं हर रीजन सेंटर के अंदर जो स्टडी सेंटर्स होते हैं उन स्टडी सेंटर्स के लिंक हम क्रिएट करके अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं तो जिसको जिस स्टडी सेंटर का स्टूडेंट होगा तो उस लिंक के जरिए ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करेगा और फेस टू फेस मोड में भी वो अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में जाके सबमिट कर सकते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत फ्लेक्सिबल है हां डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपने कहा कि डेडलाइन जो असाइनमेंट में दिए और मोटे तौर पे थर्टियथ सितंबर अभी दिसंबर एग्जामिनेशन की डेट है इसमें जैसे हम बात करते आए हैं कि अगर कोई एक्सटेंशन विश्वविद्यालय की तरफ से किया जाता है तो उसकी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होती है और उस इसी जानकारी को फिर विश्वविद्यालय के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो रीजन सेंटर्स की वेबसाइट्स से, हैं उसमें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी ये जानकारी दी जाती है तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ और ये मेरा एडवाइस भी है अपने दर्शकों को जो हमारे चाहे वो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं जो हमारे सिस्टम से जुड़ रहे हैं या जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं कि प्लीज़ अपनी इन डेडलाइंस का असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइंस का भी ख्याल रखें क्योंकि अब सितंबर में हम आज नाइनटीन है और मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे सभी लर्नर्स या तो अपने असाइनमेंट्स बना चुके हैं या बनाने की स्टेज में हैं तो एज पर डेडलाइंस अपने असाइनमेंट्स को जमा करेंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद और जैसे हमने जी कॉल uh, okay, ले लेते हैं जी कॉल लेते जी जी तो हम कुछ देर के बाद आ, हम फिर से मिलेंगे हमारे हम शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और ब्रेक में जाने से पहले आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग बने रहिए हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिए कहीं न कहीं आप लोग का सवाल का जवाब जरूर मिलेगा मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद once again welcome to all our viewers to our interactive uh, program which uh, comes from फ्राम ज्ञान दर्शन channel और इस program को का पुनः प्रसारण रात के आठ बजे भी होता है ज्ञान दर्शन चैनल में ही अगर हमारे व्यूवर्स इस प्रोग्राम को भी मिस करेंगे तो हम सोशल प्लेटफॉर्म में भी अवेलेबल है हमारा ये प्रोग्राम इग्नू के ईएमपीसी के फेसबुक के थ्रू भी आप लोग देख सकते हैं और साथ ही ईएमपीसी के यूट्यूब चैनल से कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी माध्यम से चाहे फोन से चाहे लैपटॉप से भी इसका प्रस, पुनः प्रसारण सुन सकते हैं और आप लोगों का सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा आप लोगों को जैसे मैंने ब्रेक में जाने से पहले ही पहले बताया कि हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट मौजूद है पुनः मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ और मैं, हम ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर चुके हैं एडमिशन के विषय में और थोड़ी बहुत हमने चर्चा करना शुरू ही किया था अस, असाइनमेंट और एग्जामिनेशन के डेट के विषय में और इस चर्चा को हम कंटिन्यू तो रखेंगे पर साथ में आप लोगों को एक और जानकारी देना मैं उचित समझती हूँ कि जैसे हम लोगों ने बताया कि अब रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की डेट की जो अंतिम तिथि जो है सितंबर 20 2023 है और इसमें सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को अब एक्सक्लूड कर दिया गया है बाकी सारे प्रोग्राम्स के एडमिशन अभी भी जारी है तो सर्टिफिकेट लेवल में आप इग्नो ने एक और प्रावधान ये किया है कि जिन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में लेस देन टू इनरोलमेंट है जिन प्रोग्राम के अभी इनरोलमेंट फिगर मतलब बहुत लो है तो उसमें कुछ कुछ रीजनल सेंटर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है नोडल रीजनल सेंटर uh, के रूप में आप लोगों को एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तो इस सब चीज की जानकारी आपको अपने इग्नल इग्नू के रीजनल सेंटर के वेबसाइट में भी मिलेगी और जैसे कि हमने बताया कि आज हमारे साथ दिल्ली रीजनल सेंटर से सकलानी सर हैं तो वो बताएंगे कि दिल्ली रीजनल सेंटर जो दिल्ली आरसी थ्री कौन कौन से प्रोग्राम के लिए जो नोडल सेंटर है और वहां पे उन, आपको किस किस तरह से सपोर्ट एकेडमिक सपोर्ट मिलेगी तो सर आपसे धन्यवाद मैडम आपने बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो लो एनरोलमेंट प्रोग्राम्स के लिए नोडल सेंटर्स हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए और उसका एकेडमिक काउंसिलिंग वो करते हैं Uh, ये जरूर है कि जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन जिन रीजन सेंटर्स में प्रोग्राम्स के लिए किया है तो असाइनमेंट सबमिशन वो वहीं करेंगे लेकिन उनकी जो एकेडमिक काउंसलिंग ऑनलाइन है वो नोडल रीजन सेंटर करता है जैसे दिल्ली थ्री में हमारे पास लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं सी आर सार्टिफिक रशियन लैंग्वेज जैपनीज लैंग्वेज कोरियन लैंग्वेज और सी के प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए अभी रिसेंटली रशियन लैंग्वेज की ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग भी हुई और सीसीआईटीएस के की ये बहुत जल्दी इंडक्शन मीटिंग होने वाली है और इसका जो डिटेल होगा इसका लिंक होगा ये विश्वविद्यालय की हमारी जो रीजन सेंटर की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा और इसके अलावा चूंकि देश के डिफरेंट रीजन सेंटर्स को ये जिम्मेवारी आपने दी है कि वो नोडल आसिस के तौर पे इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स का एकेडमिक काउंसलिंग ऑनलाइन कर रहे हैं तो इनकी जानकारियां भी सभी रीजन सेंटर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो मैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लर्नर्स को अपना आ, कहना चाहूंगा कि प्लीज अपना अपने रीजन सेंटर की वेबसाइट जरूर देखें क्योंकि वो लिंक्स जो ऑनलाइन एकेडमिक काउंसलिंग के लिंक्स हैं वहां अवेलेबल होंगे आप असाइनमेंट सबमिशन भले ही अपने रीजन अपने स्टडी सेंटर में आप करेंगे लेकिन एकेडमिक काउंसलिंग का आप लाभ जो है उठाएंगे और ये प्रक्रिया आप शुरू हो चुकी है इंडक्शन शुरू हो गए हैं चल रहे हैं तो प्लीज इंडक्शन मीटिंग भी जरूर अटेंड करिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक किस्म से आपको हमारे जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के बारे में किस तरीके से आपका पठन पाठन जो टीचिंग लर्निंग किस तरीके से होगी वो इस इंडक्शन मीटिंग के जरिए आप उसका लाभ उठा पाएंगे तो नोडल आर की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है और वहां लर्नर सपोर्ट शुरू हो चुका है जैसे मैडम ने बताया और डेली थ्री में भी हमारा सीसीआईटीएस के प्रोग्राम जो है उसका जल्दी ही इंडक्शन मीटिंग होने वाली है उसके बाद उसके अकेडमिक काउंसिलिंग सेशन होंगे सर्टिफिकेट इन uh, जो रशियन लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज प्रोग्राम्स की भी एकेडमिक काउंसलिंग फाइनलाइज हो रही है और ज, बहुत जल्दी एकेडमिक काउंसलिंग शुरू होगी उसके लिंक्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे इसी तरह से जो भी आपका रीजन सेंटर है प्लीज वो लिंक्स आप देखते रहिए ताकि आप जो है इसका जो लर्नर सपोर्ट का सिस्टम विश्वविद्यालय की तरफ से शुरू किया गया है तो उसका लाभ आपको मिल सके जी सोशल मीडिया के एरा में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमें उन्हीं के सहारा लेना पड़ेगा और हमारे लर्नर्स तो ऑलरेडी बहुत ही अलर्ट और जागरूक और बहुत सचेत हैं तो उम्मीद करती हूँ जिस तरह की जानकारी आपने हमारे स्टूडेंट के साथ साझा किया तो वो उन सब चीज़ के ये लोग फायदा जरूर उठाएंगे तो ब्रेक में जाने से पहले हमने रंजिता मैडम से एक क्वेश्चन पूछा था कि नए सत्र में कौन कौन से प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है तो इसी क्रम में इस बार इंटीग्रेटेड बीएड ये जो इग्नो ने शुरुआत किया है तो उसकी डिटेल जानकारी मैं मैडम से थोड़ा पूछना चाहूँगी हाँ श्वेता जी आपने बहुत अच्छा सवाल किए हैं और सभी को ये जानकारी है कि ओडीएल बी एड हम लोग का बहुत दिन से एडमिशन चल रहा है बट उसी के बिसाइड्स ओडीएल बी एड अभी इग्नू ने इंट्रोड्यूस किया है इंटीग्रेटेड बी एड इंटीग्रेटेड बी ए फॉर बी ए प्रोग्राम इंटीग्रेटेड बी एड फॉर बीकॉम प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड बी एड फॉर बी एस सी प्रोग्राम और और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फेस टू फेस है ऑनलाइन मोड में नहीं होगा और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेन प्लस टू ट्वेल्थ पास बच्चे के लिए तो आज इसी अवेलेबिलिटी के लर्नर हम लोग का जो व्यूअर है वो स्प्रेड करें सबको बताएं कि अभी इग्नू में इंटीग्रेटेड बी एड इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके लिए इग्नू को 300 हंड्रेड सीट्स मिला है 100 फॉर बी ए प्रोग्राम विथ बी एड हंड्रेड फॉर बी एस सी विथ बी एड एंड हंड्रेड फॉर बी कॉम विथ बी एड और इसके लिए एक्रॉस द कंट्री ने ही स्कूल वी हैव ए स्कूल स्कूल ऑफ एजुकेशन और स्कूल ऑफ एजुकेशन से उसके डिटेल्स सब जानकारी इग्नू की वेबसाइट में अवेलेबल है उन लोगों का प्रोग्राम गाइड भी है और किसी को भी इसके लिए जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दे कैन राइट टू द स्कूल ऑफ एजुकेशन टू द डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी पहले जैसे बीए करने के बाद बैचलर लेवल के बाद बीएड ऑफर करता था इग्नू तो अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो चुका है और हम लोग भी जिस तरह से एन के साथ साथ एन के साथ साथ हम चलने के प्रयास कर रहे हैं तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम का भी ज़्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाभ उठाएंगे और इसमें अभी एंट्रेंस प्रक्रिया की कुछ जानकारी मैम हाँ एंट्रेंस फर्स्ट वेज का एंट्रेंस ऑलरेडी हो चुका है उसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो फर्स्ट बैच का भी एडमिशन प्रोसीजर प्रोसेस में वो एनालिसिस कर रहे हैं वो कैसे क्या करें और फिर सेकेंड ईयर के लिए भी तैयारी चल रहा है जी बहुत सेकेंड बैच के लिए उम्मीद करती हूँ हमारे विद्यार्थियों के कोई भी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर कन्फ्यूजन भी होगा तो इग्नू जी एक कॉल मतलब हमारे पास आया हम अटेंड करते हैं तो उसको कर जी क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन है मैम मैंने 2020 में इग्नू में एडमिशन लिया था और 2021 में कोविड में वजह से एग्जाम नहीं हुआ है बट मैं 22 में किसी भी रीजन में वो एग्जाम नहीं दे पाए मैं अभी दिसंबर में वो एग्जाम देना चाहती हूँ मैं दे सवाल उनका उन्होंने कहा सर उन, उन, उन्होंने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है प्रोग्राम के बारे में तो नहीं बताया मैम ट्वेंटी ट्वेंटी में उनका एडमिशन हुआ था एंड कोविड के वजह से एग्जाम नहीं दे पाए वो डिटेल्स उनके नहीं इसमें हम इस तरीके से अपने दर्शकों को बता देते हैं यह सवाल जिन्होंने है कि उन्होंने में अगर ग्रेजुएशन में किया है तो जो मैक्सिमम पीरियड उनका अगर वो बैचलर्स प्रोग्राम में लिया है तो मैक्सिमम पीरियड अभी अवेलेबल है उनका और अगर वो नहीं दे पाए किसी रीजन से और ये हमारे सिस्टम की एक खूबी भी है करेक्ट्रिस्टिक भी है कि किसी चाहे कोई भी सामाजिक आर्थिक कारण हो किसी वजह से अगर आप अपना पढ़ाई उस जो मिनिमम पीरियड में आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम पीरियड का प्रावधान है तो उसके तहत हमारे ये शिक्षार्थी भी जो है लाभान्वित हो सकते हैं कोई बात नहीं अगर वो नहीं दे पाए तो अब वो कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स डेडलाइन के हिसाब से अपने स्टडी सेंटर में जमा करें और परीक्षा कर जी ने लिखे हैं कि बीएजी प्रोग्राम हाँ तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बेचर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो उनके पास वक्त है अभी और वो अपना इसे कम्पलीट कर सकते हैं लगता है कि उनको उनका सवाल का जवाब मिल चुका है और अगर फिर भी डिटेल जानकारी चाहिए तो वो इग्नू वेबसाइट को भी रिफर कर सकते हैं प्लस उनका कंसर्न रीजनल सेंटर यानी उनके जो संबंधित क्षेत्रीय केंद्र के वेबसाइट में भी अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं प्लस वो ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने संबंधित रीजनल सेंटर को तो इसी क्रम में फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर तो हमने काउंसिल थोड़ी बहुत हमने जब सर्टिफिकेट प्रोग्राम की इंडक्शन और काउंसलिंग एकेडमिक काउंसलिंग की बात अच्छा, और एक क्वेश्चन हमारे ई यूट्यूब के माध्यम से अंतर्यामी सिंह ने लिखे हैं है, मैम एडमिशन कैंसिल करने के बाद दोबारा किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं क्या या, अच्छा तो <laughs> एडमिशन हाँ उनका आपका क्वेश्चन है आप एक प्रोग्राम में एडमिशन कैंसल हो गया है आपका और फिर दूसरे प्रोग्राम में आपको एडमिशन करना है कैंसिल आप देखिए हम लोगों का एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है वो समर्थ पोर्टल के माध्यम से आपने जो फर्स्ट प्रोग्राम में जैसे एडमिशन किया है वही एडमिशन है और एक एडमिशन आपने किया कैंसिल किया उसी के साथ दूसरे प्रोग्राम का कुछ लिंक नहीं है आप दोबारा एडमिशन डेट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं और, और एक क्वेश्चन रिफंड है। जो फी रिफंड में थोड़ा फी रिफंड हाँ फी रिफंड का जो है उसमें हम लोगों का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है आपको लिखना पड़ेगा मैंने आपका कैंसिलेशन करने के लिए हम लोग हमारे पास सेंट्रल रजिस्ट्रेशन डिवीजन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन सीएसआरसी सीएसआरसी आपका डिटेल्स आपको ये आ, हाँ इसमें और एक क्वेश्चन है सपोज आपका एडमिशन कैंसिलेशन आपका आ, स्टडी मटेरियल के साथ भी रिलेटेड है सपोज आपने स्टडी मटेरियल रिसीव कर लिया है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और सीएसआरसी से इनिशिएट होता है फिर आपका डिटेल्स आप स्टडी करके एनालिसिस करके फिर फी रिफंड सेक्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में है वो पेयू के माध्यम से बैंक से फिर आप लोगों का जिस अकाउंट से आपने एडमिशन पेमेंट दिए थे उसी अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा इसीलिए यह पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है श्वेता जी जी तो ध्यान रखने वाली चीजों में कि मतलब स्टूडेंट आप रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखे जिससे कि स्टूडेंट के साथ कोई धोखाधड़ी या कोई चीटिंग ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं और एडमिशन पोर्टल में भी ये अवेलेबल है कॉमन प्रोस्पेक्टर्स में भी लिखा हुआ है और जितना भी हम लोग का प्रोग्राम है टेली के माध्यम से हम लोग जानकारी स्टूडेंट्स के तक पहुंचाते हैं कि जब एडमिशन वो लोग करते हैं उनका ओरिजिनल ईमेल अपने पापा या मम्मी और रिलेटिव का नहीं देना है खुद का ईमेल आईडी, खुद का फोन नंबर साइबर कैफे का भी नहीं। जी, जी साइबर कैफे तो ये और ही कुछ प्रॉब्लम दिक्कत है साइबर कैफे के थ्रू करने वाली जो उस बारे में मैडम थोड़ा प्रकाश डालेंगे साइबर कैफे में क्या होता है सपोज वो एडमिशन के लिए वो लोग डिटेल्स मार्गदर्शन कर देते हैं बट उसके बाद एडमिशन सपोज उन्हीं के डेबिट कार्ड से कि उन्हीं के कुछ बैंक अकाउंट से पैसा स्टूडेंट्स डिपॉजिट करने के बाद जब उन लोगों का कैंसिलेशन होता है हम लोग का एक ही माध्यम है जहां से पेमेंट होता है उसी को हम लोग करते हैं तो पेयू के माध्यम से बैंक के माध्यम से हम लोग जो फी रिफंड करते हैं उसी अकाउंट्स में तो इसीलिए स्टूडेंट्स को ये बहुत ध्यान रखना है तो अपने ही अकाउंट से अपने ही डेबिट कार्ड से वो पेमेंट एडमिशन के लिए करना चाहिए क्योंकि बाद में फ्यूचर में उन लोगों को एडमिशन रिफंड पेमेंट फिर साइबर कैफे को ना चला जाए जी इस तरह से हम लोग शुरू से अलर्ट रहेंगे तो हम लोग हम हम लोगों के साथ प्रॉब्लम भी यानी डिस्क्रिपेंसी भी कम से कम होने की चांसेस है जी, जी और एक और... क्वेश्चन दो क्वेश्चन है जी अ कुसुम गौर उस टाइम स्टूडेंट हम लोग का जो स्टूडेंट्स का नाम है कुसुम गौर बीए प्रोग्राम और सी जैक्सटन 14th जुलाई को बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई किए थे अभी तक एडमिशन कंफर्मेशन Uh, नहीं हुआ है अच्छा इसके बारे में भी श्वेता जी मैं थोड़ा हमारे भैर को बता सकती हूँ एडमिशन प्रोसेस अभी भी जारी है और एडमिशन प्रोसेस में जब एडमिशन प्रोसेस होता है फर्स्ट जब फॉर्म फिल करने के बाद उनका डिस्क्रिपेंसी जो भी है उनको एक कंट्रोल नंबर जनरेट होता है कंट्रोल नंबर जनरेट कंट्रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर इज डिफरेंट एनरोलमेंट नंबर कब मिलता है जब एडमिशन कंफर्मेशन होता है तो कुसुम जी का क्वेश्चन है Uh, मेरे कॉन्फर्मेशन क्यों नहीं हुआ तो एडमिशन कॉन्फर्मेशन के लिए एक लॉट होता है लॉट के हिसाब से सबका डिटेल्स जो क्राइटेरिया होता है एनालिसिस करके फिर उनके पास एडमिशन कॉन्फर्मेशन के लिए भेजते हैं बट uh, उनके पास कंट्रोल नंबर निश्चित रूप से उनको गया होगा कंट्रोल नंबर बहुत महत्वपूर्ण हाँ, है नए एडमिशनस जी इनरोलमेंट मतलब नंबर आने से पहले वही उनकी आइडेंटिटी ताकि yes. कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो तो उसी के माध्यम से वो अपना एड्रेस कर सकते हैं और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, मुझे बीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम भी देना होगा एग्जाम के लिए एडमिशन फर्स्ट तो आ, 14 मैं... जुलाई में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई किए थे तो उनका थोड़ा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कुसुम जी आपने पूछ रहे हैं बी एडमिशन के बारे में फिर आपने पूछ रहे बी फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा बट एडमिशन कन्फर्मेशन होने के बाद फिर आपका रीजनल सेंटर अलॉटमेंट होगा रीजनल सेंटर से फिर आपको इंडक्शन अभी सकलानी सर ने जैसे बताया आपको इंडक्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपका कौन सा रीजनल सेंटर में आपको एनरोल्ड आप हुए हैं फिर प्रोग्राम के लिए डिटेल्स काउंसिलिंग असाइनमेंट एग्जामिनेशन वही रीजनल सेंटर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए और रीजनल सेंटर से आपको इन्फॉर्मेशन ईमेल आपको ईमेल के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपके आपको रीजनल सेंटर को भी यू कैन राइट टू द रीजनल सेंटर जो मेरा ये इश्यू है तो रीजनल सेंटर को आप संपर्क कीजिए जी, ये हमारे नए विद्यार्थी हैं और बहुत सारे बड़े कॉमन क्वेश्चंस हमारे नए विद्यार्थियों की हैं जैसे आप सहमत होंगी मैडम इस चीज पे कि जो मेल्स हेडक्वार्टर्स में भी आते हैं जो रीजनल सेंटर्स में भी आते जी, हैं जी, वो एक आ, होता है एक स्वाभाविक है कि बड़े उत्साह के साथ हमारा लर्नर हमसे जुड़ रहा है तो हमारा आ, ये है कि ये सब स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं इसमें वो भी इसे जान और समझ करके इसका एंड इंत, पेशेंटली इंतजार करें क्योंकि मैं मेरे ख्याल से मैडम से पढ़ना मैडम इस चीज पे प्रकाश डालेंगे कि थोड़ा सा जो एडमिशन कंफर्मेशन के एडमिशन अप्लाई करने से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने फीस भरने के बाद भी कंफर्मेशन में थोड़ा सा तो वक्त जो इस, लगता जरूर है क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स को वेरीफाई करना होता है जी जी और अक्रॉस द कंट्री हम्स स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं एडमिशन प्रयास भी जारी है तो एडमिशन कंट्रोल नंबर और कुसुम जी अपना कंट्रोल नंबर भी इसी में यूट्यूब के माध्यम से हमको दे देंगे तो हम उसी को उसी के ऊपर भी कार्यवाही शुरू करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कुसुम जी के जरिए से हमारे और भी विद्यार्थियों का सवाल का जवाब मिल गया होगा तो हम काउंसिलिंग की बात चर्चा कर रहे थे सर कि काउंसिलिंग अच्छा और एक क्वेश्चन है और एक क्वेरी है गोपी किशन जी मैम एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ ना ही डिस्क्रिपेंसी शो हो रहा है दो मन से ज्यादा हो गया है तो उनका सवाल और कुसुम जी का सवाल कही आपस में मतलब इसका लिंकेज है जब हमने कुसुम जी को डिटेल में जवाब दिया तो उम्मीद करती हूँ उनको भी उनको जवाब गोपी किशन जी को भी जवाब मिल गया होगा उनके पास भी कंट्रोल नंबर होगा कंट्रोल नंबर के माध्यम से वो लोग मेल कर सकते हैं सी एस आर सी एट द रेट डॉट ए सी डॉट इन तो आपको तुरंत नेक्स्ट डे और दो दिन में आपके पास मेल का रिप्लाई चला जाएगा आपका केस कहाँ है और क्या डिस्क्रिपेंसी है जी जी सर हम काउंसिल की एकेडमिक काउंसलिंग की yes, चर्चा कर रहे थे uh, हमारे लर्नर सपोर्ट सिस्टम में एकेडमिक काउंसलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण उसका कंपोनेंट है जब एडमिशन हो जाता है जैसे हमने कहा शुरुआत इंडक्शन मीटिंग से हम करते हैं और उसके बाद एकेडमिक काउंसलिंग ऑर्गेनाइज होती है रीजन सेंटर की देख रेख में जो अलॉटेड स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ काउंसलिंग शेड्यूल तैयार होते हैं और सभी रीजन सेंटर की वेबसाइट में काउंसलिंग शेड्यूल

एसआरसीट्रल स्टूडेंट हाँ सी एस आर सी एट द रेट इन स्क्रीन पे विजिबल हो गया है तो, तो कभी भी स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट का एडमिशन रिलेटेड कोई डिस्क्रिपेंसी होगा तो सीएसआरसी को अभी एडमिशन प्रोसेस आ, अभी तक जारी है कल तक एडमिशन का लास्ट डेट है तो स्टूडेंट का जो भी डिस्क्रिपेंसी उनको कुछ क्वेरी है तो दे कैन राइट टू सी एस आर सी एट द रेट इग्नो डॉट ए सी डॉट इन और दो दिन के दो दिन और तीन दिन, दिन मैक्सिमम सीएसआरसी से उनके पास रेस्पॉन्स चला जाएगा जी सर जी सर फिर जी हम बात कर रहे थे एकेडमिक काउंसिलिंग में कि हमारा जो मल्टी मोड डिलीवरी सिस्टम है आ, उसमें एकेडमिक काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एडमिशन के बाद जैसे हमने शुरू में बात की कि स्टडी मटेरियल डिस्पैच होता है उसके बाद सेंटर्स से एकेडमिक काउंसिलिंग प्लान होती है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम का तो अब एकेडमिक काउंसिलिंग शुरू होने वाला है आ, बहुत जल्दी तो जो लो एनरोलमेंट प्रोग्राम है नोडल आर ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और जो दूसरे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं उनका भी जो रिस्पेक्टिव रीजन सेंटर्स हैं वो अकेडमिक काउंसिलिंग वहाँ फाइनलाइज होगी और वो अकेडमिक काउंसिलिंग शेड्यूल अवेलेबल होगा वेबसाइट पर अकेडमिक काउंसिलिंग दरअसल क्या है बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जब हमें मेल लिखते हैं या इंडक्शन मीटिंग में सवाल करते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे होंगी तो क्लासेस दरअसल फॉर्मल सिस्टम में होती हैं जो 40-45 मिनट की क्लासेस होती है एक टीचर अपना लेक्चर देता है और इस तरीके से उसकी भूमिका लेकिन एकेडमिक काउंसलिंग उसके मच बियॉन्ड है एकेडमिक काउंसलिंग दो घंटे के सेशन आमतौर पे होते हैं और उसमें जो हमारे एकेडमिक काउंसलर होती है उनकी भूमिका जो है टीचर की से भी बढ़कर एक आ, मेंटर की होती है आ, एक परामर्शदाता की होती है तो एकेडमिक काउंसलिंग बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के तौर पे आ, काम करता है जिसमें हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे लर्नर्स जो है अपना स्टडी मटेरियल पढ़ के आएंगे और जिस टॉपिक पे उस दिन का एकेडमिक काउंसलिंग होगी उसमें उनका जो संवाद होगा अपने एकेडमिक काउंसलर के साथ होगा अपने पीर ग्रुप के साथ होगा तो एकेडमिक काउंसलिंग जितनी भी इसके तय मापदंड होते हैं मोटे तौर पे कि क्रेडिट सिस्टम से जुड़ा हुआ है अगर छह क्रेडिट है तो आठ एकेडमिक काउंसलिंग होगी चार क्रेडिट होगी तो छह एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस होते हैं लेकिन जो भी काउंसलिंग सेशंस जिस भी प्रोग्राम के लिए तय किए गए हैं हम अपने लर्नर्स को सलाह देते हैं कि प्लीज उन अकेडमिक काउंसिलिंग को आप जरूर अटेंड कीजिए नॉर्मली अब ब्लैंडेड मोड में हैं ये चीजें लो uh, एनरोलमेंट में तो uh, पूरा ऑनलाइन सेशन ही होते हैं लेकिन जो अदर uh, प्रोग्राम्स है उसमें ब्लेंडेड बोर्ड में फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन स्टडी सेंटर में होते हैं प्लस ऑनलाइन सेशन भी सर सेंटर अरेंज करता है आ, सर ने अभी जो क्वेश्चन आंसर का अभी सर का जो सर एक्सप्लेन कर रहे जी, हैं जी, कुसुम जी का वही क्वेश्चन है में क्लासेस का शेड्यूल किया है जी, उसी के बिल्कुल जी, तो मैं हम, उम्मीद आप करता हूँ हाँ, और जैसे मैडम श्वेता मैडम ने बताया अभी कि ये साथ साथ फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब पे भी जा रहा है तो आप कभी भी इस प्रोग्राम को आप दोबारा चला के सुनेंगे तो बहुत सारे आपके सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे तो एकेडमिक काउंसिलिंग वही जो हमारे कुसुम जी ने पूछा कि क्लासेस कब शुरू होंगी तो एकेडमिक काउंसिलिंग सेशंस आपके होंगे और उसका काउंसलिंग शेड्यूल आपका अपने रीजन सेंटर की वेबसाइट में जहां पर भी हमारे दर्शक मौजूद है हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और उससे जुड़े हुए हैं तो अपने रीजन सेंटर की वेबसाइट प्लीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस पर अकेडमिक काउंसिलिंग के शेड्यूल अवेलेबल होंगे अभी एनुअल प्रोग्राम्स का चूंकि अभी एडमिशन प्रक्रिया चली रही है तो जब एडमिशन प्रक्रिया कंक्लूड हो जाएगी तो उसके बाद इंडक्शन के बाद ही एकेडमिक काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो एकेडमिक काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण एक हमारा लर्नर सपोर्ट का जरिया है और टीचिंग एकेडमिक काउंसलर की भूमिका जैसे मैंने uh, इंगित किया बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लर्नर का वो करिकुलम ट्रांजैक्शन में तो uh, वो उनका एक सेंट्रल रोल होता ही है लेकिन जो उसको कहीं अपनी टीचिंग लर्निंग में या अपने प्रोग्राम के फर्दर प्रोग्रेस में किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो उसमें भी अकेडमिक काउंसिलिंग हमारे का परामर्श के जरिए आप हमारे लर्नर की जो स्टडी होती है उसको संपादित करने में बहुत बड़ा अपना रोल निभाते हैं जी जी सर अब हमने काउंसिलिंग की भी बात की तो Uh, मैं मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट को काउंसलिंग के विषय में काफी डिटेल जानकारी मिली तो हम अभी तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर ज्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं तो अब हम इवेल्युएशन प्रोसेस की तरफ चलते हैं सर तो असाइनमेंट की तो बल्कि हमने थोड़ा बहुत जिक्र कर ही दिया आपने बातचीत के दौरान तो असाइनमेंट के विषय में सर डिटेल में सर से जानना चाहती हूँ और ये कहाँ सबमिट होता है स्टूडेंट ये इसकी क्या भूमिका है स्टूडेंट कहाँ कैसे कब अलर्ट होना पड़ता है उनको असाइनमेंट प्रिपरेशन के लिए और किस किन किन बातों का ध्यान रखना है जी मैडम जैसे हमने शुरू में भी प्रोग्राम के शुरू में भी इस चीज का हमने उनको कहा कि वो अपने जो असाइनमेंट्स हैं सारे जो लर्नर्स हैं वो विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट जोन है वहाँ डाउनलोड सेक्शन है वहाँ असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स वो डाउनलोड करें असाइनमेंट्स हैंड रिटर्न बनाने होते हैं और अपने स्टडी सेंटर में जमा करने होते हैं मोड ऑफ सबमिशन जैसे मैंने कहा भी कि अभी इन दिनों जैसे दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो जमा कर रहे हैं अपने असाइनमेंट क्वेश्चन है जी एक क्वेश्चन आ रहा है तो मैम तो क्वेश्चन जी ही पूछ रहे हैं क्लासेस कहाँ पर होती है जी जी तो क्लासेस का जैसे अभी हमने कहा ऑनलाइन तो वर्चुअल मोड में आप कहीं पे भी अपने क्लासेस अटेंड कर सकते हैं आप अगर अपने वर्क प्लेस पे भी हैं वहाँ से भी आप जो काउंसलिंग का जो समय है जो आपके वेबसाइट पे रीजन सेंटर की अवेलेबल होगा उस लिंक के साथ तो ऑनलाइन तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं अदरवाइज जो काउंसलिंग होती है वो हमेशा स्टडी सेंटर्स होती है और स्टडी सेंटर्स में नॉर्मली ये जो होता है हमारा वो संडेज को वीकेंड्स पे दूसरी छुट्टियों पे होता है और उसका अकेडमिक काउंसिलिंग शेड्यूल भी अवेलेबल होता है सर अकेडमिक काउंसलिंग के सिवा स्कूल से भी हम लोग का टेली और ज्ञान दर्शन के माध्यम से जी, डिफरेंट प्रोग्राम के लिए जी जी वो भी बता एडिशनल सोर्स है जैसे हमारे जिस तरह से आज हम आप लोग के साथ रूबरू हो रहे इसी तरह से हमारे इग्नू में जो फैकल्टीज है स्कूल डिफरेंट ट्वेंटी वन स्कूल के फैकल्टीज है वो भी यहाँ पे ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी के थ्रू अपने कोर्स और प्रोग्राम के विषय में अपनी यूनिट और ब्लॉक इन सब के विषय में वो लोग प्रोग्राम करते हैं लाइव है ना और ऑडियो विजुअल दोनों के माध्यम से और कई हमारे काउंसलिंग जो है का आर्काइव सेक्शन में भी मिल सकती है फेसबुक लाइव सेशंस बड़े पैमाने पे लॉकडाउन के पीरियड में हुए हैं तो वो सब हमारा ई ज्ञान कोश जो लिंक है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोजिटरी है हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए तो हम लर्नर्स को सलाह देंगे कि ई ज्ञान कोश जरूर रेफर करें हमारा स्टडी मटेरियल भी वहां उपलब्ध है और जब तक इनको स्टडी मटेरियल डायरे लर्नर्स को पोस्ट पहुंचेगा तब तक आप ई ज्ञान कोश लिंक से रेफर कर सकते हैं स्टडी सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है और आपको एक और सलाह देते हैं कि आप गूगल प्ले स्टोर से इग्नो ई कंटेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए उसमें स्टडी मटेरियल उपलब्ध है अच्छा हम और एक सवाल आया है सर जी ये सनी कुमार सर आ, मेरा ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया है एंड मुझे मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट जल्दी चाहिए फॉर द एडमिशन प्रोसेस तो सनी कुमार जी आपने आ, मेल किया है कि नहीं आप स्टूडेंट इवाली डिविजन में और अदरवाइज आप उनका इनरोलमेंट नंबर और अपना ईमेल आईडी आई प्रोग्राम नेम मेंशन करेंगे तो हम नोट डाउन करके हम ट्राई टू लुक इन टू यर इश्यू अदरवाइज डिस्पैच हो ही रहा होगा ये भी है आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में भी जाके पता कर सकते हैं जी ये बड़े बड़ा कॉमन uh, सवाल हमारे लर्नर्स का है स्टडी मटेरियल के बारे में बता रहे जी मैं स्टडी मटेरियल के बारे में कह रहा था कि uh, uh, एक और खूबी ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे उन्होंने डिजिटल मटेरियल भी ऑप्ट किया और उसमें एक फी कंसेशन उनको मिलता है फिफ्टीन परसेंट का तो डिजिटल स्टडी मटीरियल का तो मैंने जो दो तरीके ई ज्ञान कोर्स से इग्नो ई कंटेंट ऐप के जरिए वो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जो दूसरे लर्नर्स भी हैं जिन्होंने प्रिंट मटेरियल ऑप्ट किया है उनको जब तक पोस्ट आपका स्टडी मटेरियल आता है

के लिए प्रोग्राम गाइड होती है जो लर्नर्स के पास जाती है वे बी प्रोग्राम्स हैं और कई प्रोग्राम्स में एक क्लियरली एक तरीका है कि उनको सिनॉप्सिस कहाँ जमा करनी है और फिर उसके बाद जब उनका सिनॉप्सिस का अप्रूवल आता सर, है तो एक तो जमा करना एक है के? जी आपने जो बता रहे हैं वही एक सवाल राज मिस्टर राज ने पूछे हैं कि सर मैम प्रैक्टिकल कैसे होता है जी प्रैक्टिकल्स uh, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्स जो है जैसे बीएससी है बीसीएमसी है, है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं uh, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर uh, के प्रोग्राम्स हैं तो इसमें जो प्रैक्टिकल्स होते हैं स्टडी सेंटर्स ही प्रैक्टिकल्स कराता है आपका जो स्टडी सेंटर है दैट विल बी और प्रैक्टिकल सेंटर एज वेल तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल में जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी होती है हमने एकेडमिक काउंसिलिंग में अटेंडेंस को मैंडेटरी नहीं रखा है लेकिन जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें क्लियर मापदंड है कि आपको सेवेंटी फाइव परसेंट एटी परसेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम्स अटेंडेंस आपकी आवश्यक है अच्छा और एक क्वेश्चन वेन टू ई मेल टू सी एस आर सी एनी टाइम इन ए डे और एट एनी पर्टिकुलर टाइम फॉर एडमिशन कन्फर्मेशन जीट क्वेश्चन आप दस से पांच के आपको ये तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है आप घर में बैठकर आप सब कुछ कर सकते हैं तो आप अभी भी लिख सकते हैं तो आपको, आपको और आपको इमिडिएटली आपको रेस्पॉन्ड भी सी एस आर सी रेस्पॉन्डेंस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स कितने टाइम में आ जाते हैं अगर इसी साल जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में एडमिशन लिया है तो जिनका एडमिशन जैसे ही कंक्लूड होता है तो अब धीरे धीरे हाँ, प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं भी तो, भी तो भी पोस्ट विश्वविद्यालय से एडमिशन के बाद भेजा जाता है आप प्लीज टच में आप अपना रीजनल सेंटर और एमपीडी के साथ टच में रहे जी हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है पर समय अब साथ नहीं दे रहा है इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण जैसे मैंने बताया शाम को आठ बजे इसी चैनल ज्ञान दर्शन चैनल में होगा और इसके अलावा हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि ईएमपीसी के फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं तो हम फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय इसी प्रोग्राम को लेकर और एक एक्सपर्ट के साथ तब तक के लिए विदा दे दीजिए सुरक्षित रहिए अपनों का ख्याल रखिए अपना भी ख्याल रखिए धन्यवाद नमस्कार, नमस्कार।